एक बहुत ही गंभीर टॉपिक, बड़ा सीरियस है लेकिन है बड़ा मज़ेदार, क्योंकि लोग कहते हैं आपकी पहचान क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं आपकी पहचान क्या है, तो आपकी पहचान क्या है ये हमारे लिए बताना बड़ा आसान है, मगर कोई दूसरा देख रहा हो तो वो तीन बातों को समझकर पहचान ज़रूर बता सकता है, और वही है आज का मेरा ट्राइंगल थियरी ऑफ पीपल आइडेंटिटी। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को पहचानना यानी उसकी आइडेंटिटी करना, उसे पहचान सकना दूर से कि वो कैसा है, तो ये तीन बातों से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो किस स्वभाव का होगा और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी प्रकृति प्रवृत्ति कैसी होगी। तो उसे जानने के लिए सबसे पहला, इंसान जो खाता है वही सोचता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाऊं तो शेर घास नहीं खाता, शेर मांस खाता है, इसलिए बहुत एग्रेसिव रहता है और बहुत फिरोशियस रहता है और बहुत स्ट्रांग रहता है, और बकरी घास खाती है इसलिए वही माइल्ड रहती है, टेम्ड रहती है, पालतू होती है। मगर इंसानों में भी तो ऐसे ही है ना, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, आप देख सकते हैं कि इनकी प्रवृत्ति प्रकृति कैसी होती है। तो जो जैसा खाता है वैसा सोचता है, और वैसे जैसा सोचता है वैसा ही बिहेवियर लाता है। हाथी इतना विशाल जानवर है, आप सबको मालूम है कि उसे बचपन से बांध दिया जाता है, और वो बंधे बंधे ऐसा होता है जब वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, तो उसे लोहे की जंजीर से बांधने की जरूरत ही नहीं होती है। आम तौर पर वो एक छोटे से छोटी सी एक रस्सी से भी बंधे हो तो भी वो उसको लगता है कि वो साइकोलॉजिकली बंधा हुआ है। ये आपने कई कहानियों में सुना है, और इससे सिर्फ यही बता रहा हूँ कि बिहेवियरल चेंज जो आता है, ये बिहेवियरल चेंज इसलिए आता है क्योंकि हाथी को भी उस तरीके से पाला जाता है। तो जो खाता है वही सोचता है और वही आपके व्यवहार में आता है। तो व्यवहारिकता कहाँ से आती है? आपके खाने से, आपके सोचने से, और आपके व्यवहार जैसे आप रह रहे हैं उस तरीके से वो सेकंड नेचर बन जाता है, वैसे ही आप बढ़ते रहते हैं। तो खाना इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा व्यवहार इंपॉर्टेंट हो गया, तीसरा ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में, यदि आपकी शख्सियत के बारे में अगर बताना हो तो आपके पांच दोस्तों से मिला लो, मैं बता दूंगा आप कैसे हैं। आप कैसे हैं इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपके पांच दोस्तों की कहानी है ये। आप जैसा खाते हैं वैसा आप सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा आप करते हैं, व्यवहारिक हो गया, और आप उन्हीं के बीच जाते हैं जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं, और आपके दोस्त भी लगभग आप जैसे होते हैं, इसीलिए आप बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये कहानी है, सच्चाई है कि हम अपने ही जैसे लोगों को, जिनके साथ हम बड़े आसानी से रहे, हमें बर्दाश्त कर सके, हमें प्रोटेक्शन दे सके, हमें सिक्योरिटी दे सके, हमें हर वो असिस्टेंस दे सके जिससे हम उनके साथ, उनका साथ जिंदगी भर के लिए रखें, तो बेस्ट फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं। तो आप कैसे हैं साहब? आप वैसे हैं जैसे आप खाते हैं, आप वैसे ही सोचते हैं, जैसे आप व्यवहार करते हैं, जो खाते हैं वही व्यवहार पे आता है, और जो व्यवहार पे आता है वो अपने दोस्तों के बीच जाता है, और वो जो हम बड़े आसानी से दोस्ती कर साथ में रहकर सम्मिलित होके संगठित होके हमारे एक जैसे इंटरेस्ट को, लाइकिंग को, हेट्रेड को जैसे हम पकड़ कर चलते हैं, वही हमें डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करता है कि हम कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के मेरे ट्रायंगल थ्योरी में आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि आप जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन दूसरे कैसे हैं, ये तीन बातों से आप आसानी से जान सकते हैं। धन्यवाद।